तो फ्रेंड देखो मैं अपने कान्हा को यहाँ जगाने चल रही हूँ। उठ जाओ लाला, मेरे लाला उठ जाओ, मेरे बाबू उठ जाओ, मेरे कन्हैया देखो सुबह हो गई है ना, उठ जाओ मेरे बाबू, हाथ पर दर्द करने लगा है मेरे बाबू का, उठ जाओ मेरा सोना, मेरा कान्हा प्यारा सा बाबू, ए उठ गया मेरा बाबू, उठ गया मेरा राजा बाबू, मेरा कान्हा, मम पी लो कान्हा मेरे, मम पी लो मेरे कान्हा ने, इधर मम पी लिया है, पानी पी लिया है और कान्हा मेरे उठ गए हैं। तो 2 मिनट इनको रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि सुबह उठते ही कोई कुछ नहीं कर पाता है, ऐसे मेरे कान्हा भी हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 2 मिनट बैठ के, उसके बाद में इनको नहलवाएंगे अपने कान्हा को। तो देखिए उठ के सुबह सुबह कैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा। और मेरे कान्हा जब से आए हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है, बस मैं अपने कान्हा के साथ फ्रेंड बहुत खुश रहती हूँ। और मेरे कान्हा जब से इनके पैर मेरे घर में पड़े हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और सारी मेरी इन्होंने दुनिया बदल कर रख दी है मेरे कान्हा ने। तो मैं अपने कान्हा को बहुत प्यार करती हूँ, और जब से मेरे कान्हा आए हैं मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है घर में। तो इनको नहलवाते हैं फ्रेंड अब यहाँ पे, तो देखिए मैं अपने कान्हा को यहाँ पे नहलवाने चल रही हूँ। और देखिए मेरे कान्हा नेकर उकर पहने हैं, और मैं अपने कान्हा को नहलवाऊंगी अब यहाँ पे इस तरीके से। तो पहले मैं अपने कान्हा की मालिश करती हूँ चंदन से, और चंदन से मालिश करने के बाद फिर अपने कान्हा को नहलवाऊंगी। तो मैं अपने कान्हा को इस तरीके से मालिश करती हूँ, बहुत ही प्यार से मेरे कान्हा मालिश करवा लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इनको मालिश करवाना। तो मैं आराम आराम से इनकी मालिश करती हूँ इस तरीके से, मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड। तो मैं डेली जो है आपको नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि बहुत काम रहता है सुबह सुबह। तो सुबह उठ के फिर मैं जो है जल्दी से इनको पूजा कर लेती हूँ इनकी और नहलवा के। तो आज मैंने सोचा कि अपने कान्हा की वीडियो कैसे मैं इनकी सेवा करती हूँ, किस तरीके से इनको नहलवाती हूँ, और कान्हा मेरे कितना शाइनिंग करते हैं किस तरीके से। तो मेरे कान्हा की शाइनिंग ऐसे ही होती है रहती है, और देखिए मेरे कान्हा बहुत ही चमकते रहते हैं, और मैं अपने कान्हा से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे कान्हा इस तरह से नहा, देखिए चंदन से मालिश करवा लिए हैं, तो मैं अपने कान्हा को नहलवाने चल रही हूँ। ओम नमो भगवते आय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण भगवान। मेरे कान्हा ने देखिए नहा लिया इस तरीके से। तो मैं अपने कान्हा को इस तरीके से मैं अपने आंचल में ले लूँगी, इस तरीके से मैं इनकी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि नहलवाने के बाद जैसे कि हम सब लोग अपने बच्चों को ही, बच्चे को जैसे बच्चे होते हैं नहलवाते हैं, वैसे ही उनको आंचल में ले के छुपा लेती है माँ इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं अपने कान्हा को अपने आंचल में ले के फिर इनको मतलब पोंछ दी हूँ, इनको ठंड ना लगे क्योंकि मौसम थोड़ा बदल गया है। तो मैं अपने कान्हा की थोड़ा सा केयर ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए मेरे कान्हा कितने खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं इनको कपड़ा पहनाती हूँ फ्रेंड अब। तो देखिए मैं अपने कान्हा के लिए इतना इस तरीके से मैं कपड़ा बनाई हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है, मेरे कान्हा को भी गर्मी लगती है। तो मैं इस तरीके से बनाई हूँ कपड़ा अपने कान्हा के लिए अपने हाथों से, पूरा 2 मिनट लगा है, 2 से 3 मिनट में कान्हा का कपड़ा बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से मैंने 3-4 कपड़े बना लिए हैं अपने कान्हा को, तो पहनाती हूँ फिर। देखिए मेरे कान्हा ने कपड़े पहन लिए हैं, और देखिए इस तरीके से कितने सुंदर लग रहा है मेरे कान्हा का कपड़ा, और हल्का भी है और गर्मी भी नहीं लगेगी मेरे कान्हा को। तो मैं कान्हा को अपने यहाँ पे बैठा रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए मेरे कान्हा यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये कान्हा का मेरे है माला, तो अपने कान्हा को मैं माला पहनाती हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से मैं अपने कान्हा की सेवा पूजा भाव करती हूँ। और ये है तुलसी की माला जो मैंने फ्रेंड अपने हाथों से बनाई है। तो मैं अपने कान्हा को तुलसी की माला पहनाती हूँ, और अब हम अपने कान्हा को चंदन लगा देंगे फ्रेंड इस तरीके से।
फ्रेंड मुझे बताना कि मैं अपने कान्हा की सेवा सही से कर पाती हूँ कि नहीं। फ्रेंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जितनी मुझे बुद्धि है, जितना मेरे कान्हा ने मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, उतनी मैं पूजा अपने कान्हा की करती हूँ। बहुत ही श्रद्धा प्रेम से कान्हा की पूजा करती हूँ अपने। और अपने कान्हा को इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे उनको पहना दिया है और इनके बाल भी सेट कर दिए हैं। इस तरीके से देखिए, मैंने अपने कान्हा को मुकुट लगा दिया, तो मेरे कान्हा हो गए हैं रेडी। और मैं अपने कान्हा को आप दिखाती हूँ आईना, तो देखिए मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं। कान्हा बताओ कैसे लग रहे हो बाबू, देखो मैंने तुम्हारा श्रृंगार कर दिया है मेरे कृष्णा। तो इस तरीके से मेरे कृष्णा को मैंने श्रृंगार कर दिया है। और अब कृष्णा के लिए करती हूँ तैयार भोग। क्या लगाना है मेरे कान्हा को? जय कृष्ण भगवान की जय, मां के बिहारी लाल की जय, राधे राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर। तो देखिए मेरे कान्हा यहाँ पे कितने प्यार से बैठे हुए हैं। और देखिए मैंने इनके पास बांसुरी वगैरह दो दो बांसुरियाँ रख दी हैं मेरे कान्हा को, कि जो मर्जी आएगी मेरे कान्हा बजाते रहेंगे, एक छोटी एक बड़ी। और मैंने अपने कान्हा के लिए देखिए यहाँ पे भोग भी रख दिया है, मक्खन और मिश्री है, और यहाँ पे देखिए रसगुल्ला भी मैंने अपने कान्हा को भोग में रख दिया है। इनकी पूजा पाठ कर दी है और बस अब यहाँ पे ये अपना भोग लगाएंगे। मैंने इनको भोग लगा दिया, अब लगाएंगे अपने बूते खाते रहेंगे अपने आप से। और चल के मैं फिर अपने लिए भी कुछ बनाती हूँ, चाय वगैरह। फ्रेंड तो बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड देखिए बना रही हूँ मैं चाय। चाय बनाने के बाद चाय नाश्ता करती हूँ फ्रेंड, और उसके बाद में फिर आगे मैं क्या बनाती हूँ आप सबको दिखाऊंगी। आज कुछ खास बनाने वाली हूँ, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं वही बनाऊँगी। लेकिन चाय नाश्ता करने के बाद फ्रेंड फिर चलिए मिलते हैं अभी वीडियो में। आगे बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। और फ्रेंड इधर हम चल रहे हैं नाश्ता बनाने, ब्रेड का, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही स्वाद आता है। तो आप इस तरीके से अगर पसंद आए तो ज़रूर बनाना फ्रेंड। और पता है मुझे कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और टेस्टी भी लगता है, ये चटनी के साथ और भी मस्त लगता है, तो इसको ज़रूर देखना। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5-6 आलू उबाल लिए हैं, उबले हुए आलू हैं और ब्रेड है। तो जो ब्रेड मेरे यहाँ रखा था तो कई दिन हो गया था, 2-3 दिन बच्चे खा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा इस तरीके से इसको हम यूज कर लेते हैं, बच्चे खा भी लेंगे और नाश्ता भी हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रेड को देखिए तोड़ लिए हैं, और आलू भी उबला हुआ है, इसको मैंने छील लिया है, और धनिया वगैरह मैंने काट के यहाँ पे रख लिया है। तो देखिए यहाँ पे जीरा मिर्चा धनिया पाउडर, मैंने सारी चीज़ों को एक में पीस कर रख लेती हूँ ताकि सब्जी बनाने में मुझे आराम रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने वो मसाले जो है डाल दिए हैं, जीरा धनिया मिर्चा पिसा हुआ, और ये लाल मिर्च है थोड़ी सी पिसी हुई, ऊपर से मैंने डाल दिया है। और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी यहाँ, जिससे कि इसका मतलब लुक अच्छा आए, देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला बाद में डालेंगे मिक्स करने के बाद फ्रेंड इसको। तो फिर चलिए हम इसको मिक्स करते हैं, धनिया वगैरह डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए धनिया डाल दिया है, और कटी हुई थोड़ी मिर्च है, अदरक है थोड़ा सा कटा हुआ, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसको अब हम करेंगे हाथों से मिक्स अपने, आप चाहें तो मिक्सर से कर सकते हैं, जो आता है मिक्स करने वाला फोड़ने वाला उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए, और धनिया भी थोड़ी मैंने बची थी यहाँ पे डाल दिए हैं। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे डाल लिया है, और इसको अब हम फोड़ते हैं, मतलब मिक्स करते हैं यहाँ पे ब्रेड डाल के।
तो यहाँ पे मैं ब्रेड भी मिक्स कर लूँगी, यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे और इसको खूब अच्छे से आटे के जैसा मैं मिक्स कर लूँगी, जैसे कि आटे को मिक्स करते हैं फ्रेंड, इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छा, मार्केट में टिक्की जैसे बनती है वैसे ही बनेगी और बहुत स्वाद आएगा फ्रेंड। तो जो कुछ भी मैं आप सबको दिखाती हूँ, बताती हूँ अपने वीडियो में, अपने चैनल पे, तो एकदम रियल है, एकदम न्यू है, मतलब कि रियल है एकदम, कोई बनावटी नहीं है, मैं कुछ बना के नहीं दिखाती हूँ, बताती हूँ आप सबको, जो भी करती हूँ एकदम सच, एकदम रियल है, कोई बनावटी नहीं है और सच्चाई है मेरे वीडियो में फ्रेंड। यहाँ पे मैंने कटी हुई प्याज जो है इसको भी डाल दिया है, कटी हुई प्याज मैंने बाद में क्यों डाला है मैं इसका रीज़न भी आपको बता दे रही हूँ कि जो है अभी को मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी के लिए दो पीस ये बना के और मैं साफ मतलब हटा दी हूँ, निकाल के भोग लगा आई हूँ अपने कान्हा जी को, उसके बाद में मैं यहाँ पे प्याज को मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं अपने घर पे खाने के लिए, बच्चों के लिए सबके बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी टिक्की बना ली है बड़े के जैसा, देखिए बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। तो मैं अपने कान्हा जी को पहले भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने खाने में कुछ भी नौटंकी करती हूँ, ठीक है फ्रेंड। और मेहनत बहुत करती हूँ फ्रेंड, लेकिन सक्सेस अभी तक नहीं हो पाई हूँ, मेरी वीडियो कोई देखता नहीं, ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं फ्रेंड, तो आप सब मेरा साथ देना, सपोर्ट करना फ्रेंड। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे टिक्की भी डाल दिया है और ये बस थोड़ा सा पकने की देर है, इसको पक जाने दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा लाजवाब लगता है खाने में, बहुत ही स्वाद आता है, आप सब देख रहे हैं ना, मुँह में पानी आ रहा है देख के, तो मैं तो भाई पेट भर के खाऊँगी आज, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने सारी टिक्की को बना लिया है फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरी वीडियो में, और वीडियो में इस समय और यूट्यूब पे फ्रेंड, तो इस समय क्या बताऊँ, इतना मतलब वो फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैली हुई है कि देख के ही खुद को शर्म आ जाती है, ठीक है। तो बस इस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना फ्रेंड।